अक्टूबर 20, 2024, वर्ष का 29वां सामान्य इतवार। पहला पाठ इसायस का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्याएं 10 से 11। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 16। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं, इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसा के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 35 से 45 तक। जेबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है, उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ, तो वे याकूब और योहन पर क्रोध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है, वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज की दुनिया में हम ऐसे संदेशों के से घिरे हुए हैं जो सफलता को ताकत, प्रभाव और पहचान से जोड़ते हैं। अर्थात लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा, ताकत या प्रसिद्धि है, तभी वे सफल हैं। चाहे सोशल मीडिया पर हो, कामकाज की जगह पर या राजनीति में, समाज अक्सर हमें पद, धन और प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमें लगता है कि सफलता की सीढ़ी चढ़कर ही हमें संतोष या दूसरों की स्वीकृति मिलेगी। हालांकि यीशु हमें एक अलग तरह से जीने के लिए बुलाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि असली महानता विनम्रता और दूसरों की सेवा में है। एक ऐसी दुनिया में जो खुद को बढ़ावा देने पर जोर देती है, हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए अपना समय देना, किसी मुश्किल सहकर्मी के साथ धैर्य रखना,
या किसी संघर्ष कर रहे व्यक्ति को एक दयालु भरा शब्द कहना। इसका अर्थ है अधिकार से नहीं बल्कि उदाहरण से नेतृत्व करना, जैसे यीशु ने किया। मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं क्या पा सकता हूँ, यह प्रश्न पूछने के बजाय हमें पूछना चाहिए, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। ऐसा करने से हम यीशु के हृदय को दर्शाते हैं जो सेवा करने के लिए आए थे, न कि सेवा करवाने के लिए। यही वह तरीका है जिससे हम ईश्वर के राज्य में सच्ची महानता को प्रकट करते हैं।